साहब मुझे अपने इलाके में भेज दीजिए, हमारा इलाके में इरिगेशन की पोस्टें हैं, पीएचई की पोस्टें हैं, वहाँ पे भेज दीजिए। खतरा में कोई अब उधर स्टेशन पे आके हमें मारने के लिए आते हैं, हमारे गल तक घोटते हैं सर, कोई पूछता नहीं है, हमारे अफसर को रिस्पांसिबिलिटी लेता ही नहीं है। मेरे बीवी बच्चे थे यहाँ पे, वो भी भाग के चले गए घर, बोलते हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम उनको भी तंग करते थे ये लोग। सर ये हमें ब्लड कर के इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं सर, यहाँ से अंदर से रखना बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये देखो जी, बताइए अब ऐसे कभी रास्ते देखे आपने? यार इनको ऑटो में जाना तो ये एक रास्ता है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है, मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम आपको बताएंगे कि सरकारी बिल्डिंगों की क्या हालत है। लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं बिल्डिंग पर, लेकिन उसका रख रखाव किस तरह से होता है और किस तरह से इन बिल्डिंगों को एक साजिश के तहत खंडर में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं रावी तवी इरीगेशन गेस्ट हाउस आपको दिखाऊंगा। ये आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये गेस्ट हाउस है बकायदा, ठीक है, और ये जगह वही है। लेकिन ये गेस्ट हाउस की तो मैं बाद में बता दूँ, पहले मैं आपको ये जगह बता देता हूँ। सरकार की ये ज़मीन और उनकी प्रॉपर्टी, गेस्ट हाउस यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन ये जो पराली और गोबर आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तबेला है, यहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। यानी कि इस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं, इस जगह को कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये पराली, ये गोबर। और दूसरे एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगा, सबसे बढ़िया सबसे ये कि ये जो जगह है ये गेस्ट हाउस है, सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकारी प्रॉपर्टी के इस गेट पर ताला लगा दिया गया है। ये ताला किसने लगाया है, ये देखिए ये गोबर। अब ये कोई कच्ची ज़मीन तो थी नहीं कि यहाँ पर गोबर का लेप लगाया जाता, तो ये जानवरों के लिए यहाँ पर इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ताला देखिए, ये ताला लगा दिया गया है, सरकारी ये गेट है और सरकारी बिल्डिंग। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से सरकारी जो चीज़ें होती है, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी ज़मीन का गलत किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है, इरिगेशन की प्रॉपर्टी है ये, लेकिन आप इनकी हालत देखिए, ये देखिए, ये साफ दिख रहा है कि गेस्ट हाउस के नाम पर क्या खेल खेला गया है। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जानवरों का भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं वो इसलिए, ये देखिए ये जो रस्सी है ये जानवर को बांधने के लिए ही काम आती है, भैंसों के या गाय के जो भी है। तो ये कुल मिलाकर सरकारी प्रॉपर्टी ना होकर किसी की निजी प्रॉपर्टी है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बिल्डिंग की क्या हालत है। तो ये है रावी तवी इरिगेशन का ये गेस्ट हाउस और बसंतपुर का जो स्टेशन है वो यहाँ पर, ये बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। ये देखिए ये सरकार, ये खुला आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि
यहाँ पर भी जानवरों को ही रखा जाता होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए होंगे और ये हालत है सरकारी प्रॉपर्टी की। ये सरकारी प्रॉपर्टी, ये अगर इस पर किसी का मतलब ये गेस्ट हाउस किसी प्राइवेट कंपनी का होता तो उसका रख रखाव कुछ और ही तरीके से होता। ये देखिए, ये गोबर के, ये देखिए, ये लग रहा है कि सफाई कर दी गई है। शायद पता होगा कि रिपोर्ट बनने वाली है, मीडिया यहाँ पे आने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को देखिए आप ध्यान से, और ये देखिए, ये देखिए, ये आपको बता रहा हूँ। तो ये मकसद ये जो दिखाने का वो यही है कि ये टूटी हुई बिल्डिंग क्या यहाँ के ऑफिसर्स को नहीं पता? क्या कभी यहाँ पे बड़े अधिकारी नहीं आए हैं? मुझे तो लगता है कि नहीं आए, सिर्फ कागजों पत्रों पे और ये पैसा खर्च करके ये बता दिया गया कि यहाँ की गेस्ट हाउस बना। और ज़रूर मैं तो ये कहूँगा कि इसके यहाँ पे, ये देखिए कितना ये कमरा भी और भी है, मैं तो आपको ये बताऊँगा कि बकायदा अगर इस बिल्डिंग के उस पर रखा होगा कोई ना कोई रख रखाव के लिए, पक्का कोई ना कोई रखा होगा और वहाँ पर उसको तनख्वाह भी मिलती होगी, रखा होगा कि हाँ जी हमने दो वहाँ पे लोग रखे हुए हैं जो यहाँ पर इसकी सफाई करते होंगे। ये देखिए, ये तो ये जानवरों का एक तबेला बनाने की कोशिश यहाँ कीजिए कोशिश की जा रही है। यहाँ समझ लिए कि अब जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने ये जानवर पाले हुए हैं, शायद उन लोगों द्वारा यहाँ पर कब्ज़ा करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कोशिश तो नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग का रख रखाव ये बता रहा है कि सरकार को अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र ही नहीं है। ये देखिए, ये हालत है इस बिल्डिंग की, और कभी भी ये कोलैप्स कर सकती है, गिर सकती है। ये देखिए, तो क्या सरकारी जो ज़मीनें होती हैं, सरकारी प्रॉपर्टी होती है, गेस्ट हाउस है, इनकी हालत यही होती है क्या? इसलिए इसको यहाँ पे बनाने के लिए एक लाखों रुपये आप खर्च कर देते हैं कि गेस्ट हाउस बनाना, कोई ऑफिसर्स आएंगे यहाँ के डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ पे मीटिंग करते होंगे, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं है अभी तक। तो ये देखिए, तो यहाँ पर चलते हैं और ये हम आपको बताते हैं। तो ये सरकारी क्वार्टर हैं, ये देखिए, ये सरकारी क्वार्टर हैं और क्वार्टर में ये देखिए, ये गोबर कहाँ से आया ये साफ दिख रहा है, गोबर के ढेर। और ये देखिए, ये जो एक छोटी सी बछिया जो बांध के यहाँ से बांधने की कोशिश की जा रही है, ये पहले यहाँ पर थी, यानी कि उस क्वार्टर के वहाँ पर। तो आप देखिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकारी ज़मीन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आसपास के लोग कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, वो लाजमी है कि जब आप इन चीज़ों को लावारिस छोड़ देते हैं तो फिर आसपास के जो लोग होते हैं वो तो कब्ज़ा करेंगे। ये देखिए, गोबर का ढेर, ये यहीं से इन्होंने साफ़ किया, इनको पता था कि मीडिया वाले आने वाले हैं शायद, तो इन्होंने ये ढेर यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए, तो ये हालत है सरकारी क्वार्टर की। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं वो किस तरह से रहते होंगे। ये टूटा हुआ, ये देखिए, ये लाखों रुपये है, ये मतलब सरकार, अब फिर वही बात आती है कि हमारे द्वारा टैक्स दिए गए, जो पब्लिक टैक्स देती है उनके द्वारा दिए गए लोगों द्वारा, जो पब्लिक द्वारा टैक्स दिया जाता है उसके ज़रिए ही जो कलेक्शन होती है रेवेन्यू की, ये उसी से तो बनते हैं ये सब। लेकिन वही सरकारी है तो हमें क्या लेना देना, ठेकेदार ने भी अपने हिसाब से ले लिया होगा और अधिकारी यहाँ पर आते नहीं। यहाँ पे एक कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करें जो यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, जुल्फकार अली। जुल्फकार जी, किस में काम करते हो आप? मैं इरिगेशन में करता हूँ सर।
मैकेनिकल में। अच्छा मैकेनिकल, यहाँ पे ड्यूटी है मेरी नीचे पंथोस में। तो आप इसमें रहते हो? जी सर। क्या हालत है इसकी, कभी अपने अफसरों को बताया कि क्या हो रहा है? बताया सर, ये मैंने खुद थोड़ा सा ठीक किया था, ऊपर से पानी आता था, मैंने थोड़ा सा सीमेंट डाल के यहाँ बैठने के काबिल किया। हम 250-300 किलोमीटर से आ रहे हैं सर, यहाँ फोर्थ क्लास की नौकरी करते हैं सर। अच्छा आइए, ठीक जी। तो और क्या प्रॉब्लम है? आइए। और सर प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ पे हमारे गुआंड में ये गुजर रहते हैं सर, ये हमें ब्लड करके इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं सर। यहाँ से अंदर से हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों लगाते हैं, कोई कारण तो होगा, क्यों लगाते हैं? साहब ये जो बिल्डिंग है इससे मैंने मना करा, अगर कोई बात मना करें तो ये हमारा क्वार्टर है, यहाँ से ये गुआ ये जो गोबर निकाल कर यहाँ फेंकते हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो एक मिनट आप इस तरफ आ जाइए, और अमित आप इस तरफ आए ताकि मच्छर वगैरह पैदा होता है यहाँ पे। हाँ। तो हमारे बच्चों को लड़ता है। तो जानवर आपने पाले हुए हैं क्या? नहीं जी, हमने नहीं पाले हैं। तो फिर ये गोबर कहाँ से आ गया सरकारी? ये सर इधर गोबर भैंसे बांधते हैं सर। अच्छा। और यहाँ से उठा कर यहाँ फेंक देते। आज नहीं बंधी हुई है? आज नहीं बंधी हुई, आज इनको पता था कि कोई मीडिया वाले आ रहे हैं तो इसलिए। तो मुझे बताइए, गेस्ट हाउस में कोई नहीं आता, कोई नहीं रहता? कोई नहीं सर, कोई नहीं रहता है, ऐसे खुला रहा है। ऐसे खुला है सर, इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। किन्होंने? ये जो हमारे गुहांड के हैं, रहम अली के लड़के जो हैं, ये काला बोलते हैं, उसका नाम का पता नहीं है। जी मतलब आस पड़ोस के लोगों ने यहाँ पे जी जी जी। तो ये ताला किसने लगाया वहाँ पे? ये ताला इसी ने लगाया है, काले ने लगाया, रहम अली का लड़का जी, जो भैंसे बांटते हैं। अच्छा जी, मतलब ये सरकारी गेस्ट हाउस को इन्होंने जानवरों के बांधने की जगह बना दी, रखने की। जी जी जी। आपने कभी रोका नहीं? सर हम कैसे रोकेंगे, हमारे ऊपर तो बलात्कार के इल्ज़ाम लग जाते हैं। हम अगर थोड़ी सी बात कहेंगे तो ये गोबर फेंकने को कहा था, जी हम मत फेंको गोबर, बाहर फेंक दो। तो हमें तो ये उस सब से तंग करते मतलब हैं, जोर जबरदस्ती बहुत जबरदस्ती करते हैं सर। हमारे अफसर बोलते हैं हमें 35-35 साल हो गए यहाँ पे, हमारे जो सीनियर हैं बोलते हैं हमें यहाँ 35-35 साल हो गए नौकरी करते, तो हमें यहाँ से किसी ने ट्रांसफर, यहाँ पे 4 साल हो गए सर। तो 4 सालों में ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है सर, हमें तो दबाया जाता है सर, हमारे मतलब ये सारा 4 सालों का खेल चल रहा है, या उससे पहले भी था? नहीं सर, पहले का पता नहीं सर, पर लेकिन 4 सालों से हम देख रहे हैं यही। तो आपने शिकायत की अपने अधिकारियों से कि गेस्ट हाउस का बुरा हाल है, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जानवर बांध देते थे? बड़े अफसर आते थे, उनको ये उनकी औरतें डंडा लेके पड़ जाती थी। अच्छा जी, कौन अफसर आए थे? ये सराजदीन जई है, उसको यहाँ मेरे सामने डंडा लेके पड़ गए थे। अच्छा, ये लोग? हाँ जी, ये लोग, ये औरतें, मतलब औरतें इनकी डर के कारण यहाँ पे आते नहीं जी? बिल्कुल डर के कारण नहीं आते, डरे हुए हैं सर सब। तो आपको भी तो खतरा है? मुझे खतरा है जी, बहुत खतरा है मुझे। मुझे तो मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे थे यहाँ पे, वो भी भाग के चले गए घर। अच्छा। बोलते हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम उनको भी तंग करते थे ये लोग, तो इसलिए। मतलब कि आप अकेले और भी क्वार्टर में रहते हैं कोई या नहीं? यहाँ रहते हैं, ये एक लड़का रहता है यहाँ पे, ये छुट्टी है 2 दिन। अच्छा। हाँ, और यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ दूसरा प्रकाश जी है, ये रिटायर हो जाएंगे। हाँ। ये ऑपरेटर हैं जी। हाँ, उसके परे भी रहते थे देखो, उनके क्वार्टर में तो बिल्कुल लकड़ियाँ डाल के रखी हैं इन्होंने। कहाँ पे? सामने ये क्वार्टर है इनके सामने, ये लकड़ियां हैं, जो नीचे परली साइड क्वार्टर है उसमें भू लगा हुआ है, भैंसों के लिए भू रखते हैं ना, जो खाना भूसा भूसा भूसा, हाँ भूसा जिसको बोलते हैं, वो परली साइड पे रखा है, वो परली साइड है सर आगे। अच्छा, वो दूसरे क्वार्टर पे? हाँ, वो वाले क्वार्टर पे आगे, अगले क्वार्टर जो है ना आगे। तो अधिकारियों से जब आपने शिकायत की तो क्या कहते हो? कहते हैं जी ऐसे ही चलेगा, वो तो अफसर आते हैं जाते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, उनको कोई पूछता नहीं है, तो प्रशासन कोई पूछता नहीं है। तो ये गेस्ट हाउस तो अधिकारियों के लिए बनाया होता है कि यहाँ पे मीटिंग होगी, यहाँ पे जब अधिकारी आते हैं उनके रहने क्या वो सारा? कोई मीटिंग नहीं हुई सर 4 साल में, कोई मीटिंग नहीं। चीफ साहब आते हैं या मिनिस्टर साहब आते हैं, उनको सीधा नीचे ले जाते हैं पंप हाउस में। अच्छा। वहाँ कुर्सियाँ लगाते हैं, वहाँ चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं। बसंतपुर इलाके? हाँ जी हाँ जी, कुडलैड बसंतपुर कुडलैड जी। तो कितने क्वार्टर हैं ऐसे? सर 13 क्वार्टर हैं सर। कभी मरम्मत नहीं हुई मुझे लगता अभी तक? सर इनकी मरम्मत तो पहले कर दी होगी, लेकिन ये जो आगे हैं ये शायद रिजेक्ट कर दिए होंगे इन्होंने। अगर रिजेक्ट कर दिए तो रहता कौन है फिर? तो इनमें तो कोई रहता नहीं है, परली साइड कोई नहीं रहता। वो जो पीछे वो वहाँ पे अच्छा, एक इसमें रहते हैं, एक इसमें रहते हैं, और एक ये साथ में है, इसके सामने भी लकड़ियाँ फेंक दी इन्होंने। वो उस क्वार्टर में रहता है वो जो तीसरा दिख रहा है वो?
परली साइड नहीं। हाँ, अच्छा, इसमें ये इनकी भेड़ें शेड़ें रहती हैं उधर। अच्छा। हाँ, सर्दी में अब बरसात अच्छा, को चले गए ना ऊपर पहाड़ में ये। अच्छा। हाँ, तो बरसात में सर्दी में यही होती रहती हैं। ऐसे में तो आपको बड़ा खतरा भी। बहुत खतरा है सर, मुझे तो बहुत खतरा है। अफसर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। मैं अपने अफसर से शिकायत करता हूँ, साहब मुझे अपने इलाके में भेज दीजिए, हमारे इलाके में इरीगेशन की पोस्टें हैं, PHE की पोस्टें हैं, वहाँ पर भेज दीजिए हमें, तो इनसे दूर ही हम ठीक हैं सर। मतलब आपको दो दो भूमिका निभानी पड़ रही है। बिल्कुल सर, रखरखाव का भी थोड़ा आप रोकते हो। हाँ, तो आपको मारने के लिए पड़ते हैं आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, खतरा हमें कोई अब उधर स्टेशन पे आके हमें मारने के लिए आते हैं, हमारे गल तक घोटते हैं सर, कोई पूछता नहीं है। हमारा अफसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। उन अफसरों को पूछा जाए सर, हमें भेज दिए जाए, और कोई मुलाजम आएगा इधर और कोई नौकरी करे सर, हमें और कहीं भी नौकरी हमें बहुत है। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रवि तवि है, इरिगेशन है, PHE है, कहीं भी विंग में हमें भेज दीजिए। आपका कौन सा विंग? मेरा सर रवि तवि इरिगेशन मैकेनिकल है। मैकेनिकल जी सर। तो हम उन क्वार्टरों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता देखिए, ये लकड़ी है, ये किसने लगाई है? जाहिर सी बात है, मतलब कि सरकारी ज़मीन, सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो, अब देखिए अब रास्ता ही नहीं है। भैया ये रास्ता कहाँ से मिलेगा? ये रास्ता था सर, ये नुकसान करा रहे थे सर, बाहर भी गया है सामने। अच्छा, यहाँ से? अच्छा, ये रास्ता पूरा गाड़ियाँ भी जाती हैं, आगे तक स्कूल तक गाड़ियाँ भी जाती थी, पहले क्वार्टर अच्छे थे। अच्छा, मतलब कि ये मेन रास्ता था ये? रास्ता आगे स्कूल तक सर। अच्छा, ये रास्ता था, ठीक है। और ये मतलब कि ये अब मतलब ये क्वार्टर अब बंद है, ये टोटली ये सारे टूटे हुए। तो देखिए ये रास्ता ही, अब देखिए उस वहाँ पे जाना है तो किस तरह से, मैं आपको हालत भी दिखाता लेकिन रास्ता ही नहीं है जाने का। और मुझे लगता है कि यहीं पर विभाग की बेबसी जो है वो साफ नज़र आ रही है। बेबसी क्या, जानबूझकर विभाग जो है वो आंखें मूंद कर खड़ा बैठा हुआ है, कानों में रुई उसने डाल दी हुई है, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी है। निजी होती तो शायद अदालत तक पहुंच जाते, या फिर अपने ऑफिसर्स किसी के शिकायत करके तो यहां पर अपना कब्ज़ा ले लेते, लेकिन सरकार है, सरकारी पैसा लगा हुआ है, कौन किसकी ज़िम्मेदारी है, ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा ये कि इसको इन्होंने बंद करके रखा हुआ। अब आप बताइए, दूसरा कोई रास्ता है इस इनके क्वार्टर पे जाना हो तो कोई और दूसरा रास्ता है? रास्ता कैसे होगा ऐसे, तो पीछे से है, लेकिन मतलब मेरे मुताबिक, मतलब जहाँ तक लगता है अगर ये है तो ये फिर सीधा ही होगा, क्योंकि दीवारें भी तो यहाँ से वो दिख रही है सीधी, दीवारें आगे तक थी, चार दीवारी पूरी। ठीक। तो चलिए, फिलहाल ये हालत है सरकारी बिल्डिंगों की, सरकारी ज़मीनों की। फिर शिकायत करते हैं जी कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा तो हो गए जब आप चीज़ों को लावारिस छोड़ दें, जब आप अपनी जगह को लावारिस छोड़ देते हैं तो कब्ज़ा तो हो गई। और जाते जाते मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि अंदर वाला मतलब गेस्ट हाउस कितनी, मतलब अजीब सी बात है, गेस्ट हाउस खुला हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, ये तबेला ये बना दिया गया, ये देखिए, और ये ताला। अब ये ताला किसने लगाया है? जिनसे हमारी बात हुई वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं लगाया। जो लोग यहाँ पर अपने जानवर बांधते हैं उन लोगों ने यहाँ पर ताला लगाया है, जो बांधते हैं, ठीक है ना। तो सरकारी प्रॉपर्टी के लिए कि सरकार का, ये सरकार की प्रॉपर्टी है और ये भी सरकारी मुलाजिम है, थोड़ा सा दर्द भी बयां कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। अब आप कहाँ ले जाओगे हमें, ये बताओ ना। मतलब देखिए, जो मेन रास्ता है वो बंद है, अब क्वार्टर, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता किसने बनाया है? यहाँ पे रहता है कोई? नहीं, यहाँ पे रहता है एक आदमी, रहता है वो चला गया। क्या छुट्टी गया हुआ है या कहाँ? छुट्टी गया हुआ।
ये देखो जी, बताइए अब ऐसे कभी रास्ते देखे हैं आपने कि अगर इनको ऑटो में जाना तो ये एक रास्ता है। ये देखिए हमें कहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये हालत है सरकारी प्रॉपर्टी की और सरकारी ये किन की ज़मीन है? ये सरकार की ज़मीन है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो उस पर नहीं हम जाएंगे, वो तो सरकार वो बताएगी। आप रास्ता बताइए, रास्ता कहाँ है, कहाँ रास्ता? ये हालत है जी, देख लीजिए। फिर कहते हैं सरकारी स्कूल नहीं चलते, सरकारी बिल्डिंग का रख रखाव वैसा है, इरिगेशन की गेस्ट हाउस का, और जो क्वार्टर बने हैं वो देख लीजिए आपने किस तरह से हम यहाँ से गुजर रहे हैं। मकसद यही था कि आपको बता दें कि शहरों में सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि रंग रोगन जब बिल्डिंग पे चढ़ते हैं ना तो चीज़ें बहुत सुंदर हो जाती हैं। हकीकत तो तभी लगता है, हकीकत का पता तभी चलता है जब आप गांव में जाते हैं और फिर सरकारी बिल्डिंगों को आप देखते हैं। ये देखिए ये, अच्छा यहाँ से आना पड़ता है, अच्छा ये रास्ता था, अच्छा ये कर दिया गया। ये देखिए जी, सबसे बड़ा सबूत ये है, मैं तभी कह रहा हूँ कि सरकारी बिल्डिंगों का ये है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। सरकार भी अधिकारी भी मस्त है, 2 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी, 3 साल काट लेंगे, क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की और इतना मगजमारी करने की। तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, छोटे एम्प्लॉई हैं, जिए मरे क्या लेना देना, कौन इनकी सुनेगा। बोलते रहते होंगे आप तो, फिर बोलते रहते कि ये इसको सुधारो, ये उसको सुधारो, ये तोड़ दिए हैं सब क्वार्टर इधर। ये देखो जी, अगर ये सरकारी क्वार्टर हैं तो ये ज़मीन भी सरकार की ही है, जाहिर सी बात है। और ये देखो ये तबेला बना के रख दिया हुआ है, ठीक है ना? जी जी, ये तबेला बनाया है सर, ये सभी ईंटें उखेड़ के इन्होंने वहाँ से पहुँचा दिए अपने घर में। अच्छा जी, तो ये देखिए रास्ता, मतलब ये देखिए ये रास्ता, मेरे ख्याल में ये रास्ता है, लेकिन खैर सरकार की, हाँ दरवाज़ा भी नहीं दिख रहा, वाकई लकड़ी के दरवाजे। हम थोड़ी सी हिफाजत कर रहे थे। हाँ जी, हम थोड़ी सी इन क्वार्टरों की हिफाजत कर रहे थे, जो मेरी चारदीवारी है, देखा आपने आगे मेरे क्वार्टर के आगे, तो हमने हिफाजत करी थी उसकी, और इसके लिए भी हमें बोलते जी ये इसको भगा दो यहाँ से, ये आदमी नहीं चाहिए। अब तो आपके लिए और भी ज़्यादा खतरा हो गया, क्योंकि अब ये खबर जब चलेगी इनको भी तो गुस्सा तो आएगा ही। अब गुस्सा तो आएगा जी, आने दो, गुस्सा तो आना है इनको, देखेंगे अब क्या। प्रशासन को जिम्मेदारी है अब हमारे बचाने के लिए, हमारे अफसरों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस आदमी को कैसे बचाया जाए और कैसे इसकी प्रोटेक्शन की जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये है हकीकत, सरकारी बिल्डिंगों के रखरखाव की हकीकत, सरकारी क्वार्टर किस तरह होते हैं ये हमने आपको बताया, और उन क्वार्टरों पर, उन क्वार्टरों पर किस तरह से कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है ये भी मैंने आपको बताया। और तो और ये जो भूसा आपने अंदर देखा ये साफ जाहिर कर रहा है कि एक भी बड़े अधिकारी ने कोशिश ही नहीं की इनकी, इन क्वार्टर्स की मरम्मत के लिए, और अगर किसी ने इस पर कब्ज़ा किया है तो उस कब्ज़े को छुड़ाने की, तो ये अब बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में। एडवाइज़र साहब आप ही आइए, देखिए इनको, और एलजी साहब अगर इस तरह की और भी बिल्डिंगें हैं जिस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है और लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके, अगर आपने इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके तोड़ना ही है या बर्बाद ही करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि भविष्य में किसी तरह की कोई बिल्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसों का जब खेल चलता है, कमीशन सबको चाहिए, रखरखाव कोई नहीं चाहता। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।